जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके भी आंसर करने वाला हूं। साथियों, फाइनली जो हमारे ऑड सेमेस्टर के एग्जाम हुए थे उसमें से कुछ कोर्सेज का आज रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो अब कौन कौन से कोर्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ काफी सारी अपडेट है जो सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से काफी सारे नोटिस जारी किए गए थे, तो उनको भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर के करते हैं आज की वीडियो शुरू। साथी, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो साथियों, जो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन ये है कि सर, हमारा जो बीएड का एग्जाम होना है, एंट्रेंस एग्जाम होना है, तो उसके एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। तो आपके जो एडमिट कार्ड है वो 16 तारीख से आपके डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। 16 तारीख से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है, साथ के साथ आपको के बच्चे, सर हम वहां पर जो हमारी गाइडलाइन है वो क्या क्या है, क्या हमें वैक्सीनेशन करवाना कंपलसरी है। तो ऐसा नहीं है कि आपको वैक्सीनेशन कराना कंपलसरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपका वैक्सीनेशन नहीं भी हुआ होगा तो भी आप अपना एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। साथियों, आगे बात करते हैं जो बच्चे अपने रिजल्ट को लेकर परेशान है, जो ऑड सेमेस्टर के एग्जाम हुए थे उसके रिजल्ट को लेकर। तो उसमें से आज काफी सारे कोर्सेज का आज रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। अब वो कौन कौन से कोर्सेज का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं जो LLB के लिए अपना जो कॉन्टेक्ट डिटेल करेक्ट करने के लिए पोर्टल ओपन नहीं हो रहा था, अब वो सही हो गया है सर्वर। आप अब अपना अपडेट कर सकते हैं, यानी कि सर्वर अब सही हो गया है पूरी तरीके से। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने एक लिंक भी दिया हुआ है, डायरेक्ट आप उस लिंक पर जाकर क्लिक कर देंगे तो आप वहां से डायरेक्टली अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है, जो बच्चे अभी अपना चॉइस फिल करना चाहते हैं कि हमें ऑनलाइन देना है, तो उनके लिए फिर से एक बार मौका दिया गया है, यानी कि आज और कल वो एक बार फिर से अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं। यानी कि उनको एग्जाम ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन देना है। ऑफलाइन देना है तो उनको कुछ नहीं करना है, यदि उनको ऑनलाइन देना है तो फिर उनको चॉइस फिल करनी है। और चॉइस में वो याद रखें अपना कॉन्टेक्ट नंबर और मेल आईडी बिल्कुल करेक्ट रखें। तो उसके लिए अभी जो सीसीएस यूनिवर्सिटी ने 2 दिन का मौका दिया है, इसमें जो आपके एग्जाम के लिए आपका LLB, LLM और आपका BA LLB, तो इन कोर्सेज के लिए आप ऑनलाइन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम आप अपना मोबाइल से भी दे सकते हैं, लैपटॉप से भी दे सकते हैं, वो अब आप दोनों में से किसी भी मोड से आप दे सकते हैं। और साथ के साथ जो इनके एग्जाम होने हैं तो उनकी डेट शीट भी जारी कर दी गई है, यानी कि LLM की भी, LLB की भी, और हमारा जो आपका BA LLB है इनकी भी डेट शीट जारी कर दी गई है। तो उसके लिए आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, या मैंने अपने फेसबुक पेज पर अपडेट कर दिया, वहां से भी आप देख सकते हैं। जैसे ही डेट शीट जारी हुई थी कल, वैसे ही मैंने अपने फेसबुक पेज पर अपडेट कर दी थी। अब साथियों, आगे बात करते हैं जो हमारा BBA HA है और MBA HA है, उसकी जो परीक्षाएं हैं वो 23 जुलाई से होनी है, उसकी भी जो डेट शीट है वो जारी कर दी गई है। तो वो भी आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर या हमारे फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं जिसके लिए काफी बच्चे परेशान हैं, जो उनका रिजल्ट है, किन किन कोर्सेज का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो उसको ध्यान से देखिएगा किन किन कोर्सेज का आज रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो इसमें साथियों, सबसे पहला है जो आपके MA MCOM है, जो प्रमोट हुए हैं बच्चे, उनके फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दिए गए हैं, वो आप आज सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। यानी MA MCOM फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब आगे बात करते हैं और किस किस कोर्सेज का रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसके बारे में। इससे आगे है जो MSc कोर्स है आपका, MSc के फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, वो भी आप आज से सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इससे आगे है MSc AG का भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, MSc AG के फर्स्ट सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, वो भी आज आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। बाकी जो कोर्सेज हैं उनका भी रिजल्ट बहुत जल्द जारी किया जाएगा, बच्चे का भी परेशान है, हो सकता है आजकल में ही रिजल्ट उनका डिक्लेयर कर दिया जाए। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है। यदि अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।